चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये वारा जो अमित शाह मुंह कर रहे हैं, ये संविधान तथ्य है, हम अपने आप नहीं कर रहे। 3 बजे के बाद जो है फैक्ट्री की तरफ पूछ करेंगे, वहाँ हम उसका ताला भेड़ेंगे। जो सरकार पहले थी उसे कुछ कर दे, वह बढ़िया कुआरी भी एक जो है बेटिया कुआरी जा रही। भाई हमें शौक नहीं है बैठने का। भारत के संविधान का निर्माण हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करा था, और संविधान में लिखा था ये एसपी होंगे इनका यू काम होगा, यू डीएम होगा इसका यू काम होगा, ये पुलिस वाले होंगे इसका यू काम होगा, और जिसकी कोई मांग नहीं माने उसे धरना देने का भी अधिकार होगा। यू हारा जो हम काम कर रहे हैं, ये संविधान तथ्य है, हम अपने आप नहीं कर रहे। जिसकी कोई मांग पूरी नहीं होगी वो धरना कर सके, सभा कर सके, जलसा कर सके। तो हम तो जो संविधान में अधिकार है उस अधिकार को लेकर यहाँ बैठे, जी हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या ना इंसाफी नहीं चले, यहाँ नहीं चले मतलब बहुत चल ली। मैं पूरे ट्वीट के जिन भगवान देव प्रगत थे ये सब सुना के हो रहे, सब पता गांडा दे रखा, पीसे मार रखे, अपने पीसू की मांग कर रहे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे। किसान एकता, किसान एकता, अपना हक, अपना हक। और भाइयों जो वादा हमने करा था, आज 3 बजे तक अगर शासन प्रशासन हमारी संतुष्टि यहां का नहीं करता, 3 बजे के बाद जो है हम फैक्ट्री की तरफ पूछ करेंगे, वहां हम उसका ताला भेड़ेंगे। और भाई 3 बजे तक शासन प्रशासन तो हम कल ज्ञापन भी दे गए थे, अगर वह आने का हमारी संतुष्टि करते हैं, हमारे कोई बात बताते हैं तो उस पर विचार करा जाएगा। लेकिन जो हमने कह दिया उसका पीछे नहीं हट ले गए। और रही पैसे की बात, हम अपना पैसा लेकर आएंगे, गंडे की हमारी मर्जी, हमें बढ़िया लगेगा इसका दे देंगे, नहीं देने के नहीं। हमारे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम अपने गंडे का इंतजाम करना जाने, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्लू लगा लेंगे, सल्फर में घेर लेंगे, छोटा खड़ा रह जाएगा, जी भी कोई दिक्कत नहीं, 1 साल हमने। लेकिन हम इसके गुलाम बन के नहीं रहने के। और भाइयों सबसे बड़ी है हमारी एकता, अगर हमारे में एकता है तो हमारे में ताकत रहेगी। क्या मामला हो रहा था जी, क्यों नहीं गन्ना भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? भाई सरकार की मनसा है नहीं गन्ना भुगतान करने की, तो समस्या ही हो रही है। समस्या तो बहुत तगड़ी जी, मैं एक बात बताऊं, पिछले साल सारा गन्ना गिरने के बाद में कुल 20 दिन का परमिट है रहा, खाने को दाने नहीं रह रहे, पीछे तो चाहिए है ना, मन अगली फसल को भी दिक्कत हो रही होगी, अगली फसल तो देने के ही नहीं। अच्छा आज तालाबंदी की भी बात कर रहे थे, तालाबंदी कमेटी ने दिया नहीं ना, वो आ रहे तहसीलदार साहब, डीएम साहब से वार्ता करे, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक इतना लंबा धरना नहीं चल रहा है, कोई नहीं आया। आशी भाई डीसी हो ये भाग जा, बस झूठे ला रहे देते देते, आज 37 दिन हो गए धरने को। किसान भूखा बैठा बिल्कुल, कर्ज भी नहीं मिल रहा, दुकानदार भी हाथ सकड़ोल लगा, भाई मैं उधार नहीं देने का, तारा पेमेंट नहीं कहाँ तक दे दोगे तुम? बात भी सही है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, हरी बीमारी में बहुत दिक्कत हो रही है, अब किसी का शादी है तो उसमें कितनी परेशानी आ रही है। 1 महीने का 1.5 महीने का पेमेंट दिया, इसमें अगला सीजन तैयार हो गया। हर चीज़ महंगी, किसान का जो खेती है मंदी, खर्चा बहुत ज़्यादा है, और रही पशु की इनकी आवारा की, इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। रही हम यहाँ बैठे हुए खेत में बैठे, हमारे हमारे पास डबल मार हो रही, जो पैसा नहीं देता, जो हम खेत में कमा गए उसे भी पशु खा ले, तो समस्या समस्या हमारे आगे, तो कौन कौन सी समस्या हल करेंगे हमारी? हमें तुम दिखे जो कहना, जो देखा जी वही चोखा, जिसकी पूछ ठाई वही माता। जो सरकार पहले थी उसे कुछ कर दे, वह बढ़िया कुआरी भी एक जो है बेटिया कुआरी जा रही।
सभी किसान भाइयों को, बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। रविंद्र कुमार नायब तहसीलदार, मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने बीच में से जो भी प्रतिनिधि बताते हैं उनके लिए एक प्रस्ताव है, यदि आज शाम चाहें तो आज शाम, और यदि कल किसी भी समय चाहें तो आप समय बता दें, डीएम सर से वार्ता हो जाएगी आपकी आमने सामने। इन्होंने देखो अभी, क्योंकि अभी अभी की बात है, इस बीच में कमेटी की कोई मीटिंग भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रस्ताव अपना यो है कि हम पहले डीएम साहब से बात कर लें, और अगर संतुष्टि बात नहीं होगी तो फिर अगला कार्यक्रम अपना बनावेंगे, ठीक है। सामने पहाड़ हो, जिनकी पहाड़ है, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से भूख मांगते नहीं, हम अपना हक ले करके रहेंगे, वरना तब तक हम धरने पे बैठे रहे।